वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 टीमों का हो गया है ऐलान। इन टीमों ने किया क्वालिफाई तो ये हो चुकी है बाहर। आईसीसी ने कर दिया है सुपर 8 के ग्रुप्स का ऐलान। भारत किस ग्रुप में तो किन टीमों से कब होंगे मुकाबले? तो जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का अंतिम मुकाबला बारिश के हत्थे चढ़ गया और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला स्कॉटलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, जिस पर निगाहें ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा इंग्लैंड क्रिकेट टीम की थी। लेकिन इसी बीच इन दोनों मुकाबलों के नतीजे के बाद एक बार फिर सुपर 8 की रेस में बवाल आ गया है। दरअसल भारत को अपना अंतिम मुकाबला खेलना था कनाडा के खिलाफ, लेकिन वो बारिश के हत्थे चढ़ गया। और उसके बाद जो सुबह की टाइम में ये मुकाबला हो रहा था ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड ने, स्कॉटलैंड एक तरफा हावी हो रहा था ऑस्ट्रेलिया पर, लेकिन अंतिम ओवर के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिल जाती है, जिसके बाद सुपर 8 की टीमों का ऐलान हो चुका है। ये रेस बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम आपको बताएंगे कि अब ग्रुप्स का भी ऐलान कर दिया गया है। ग्रुप ए में कौन होंगे, ग्रुप बी में कौन होंगी और उसके साथ में भारत के मुकाबले किन टीमों से होंगे, कब होंगे, कहां होंगे, इन दो मुकाबलों के बाद क्या कहते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात, चलिए सब कुछ जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम भी ज़रूर बताएं। तो जैसा कि आप जानते हैं इस साल T20 वर्ल्ड कप में टोटल 4 ग्रुप बनाए गए हैं और हर एक ग्रुप में 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एक टीम को बाकी 4 टीमों से मुकाबला खेलना होता है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 में जगह बनाएगी, तो टोटल 8 टीमें सुपर 8 में जा रही है और कहीं ना कहीं वहाँ 2 ग्रुप बनेंगे और उसमें एक टीम को 3 मुकाबले खेलने होंगे। 2 ग्रुपों से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएगी और फिर होगा फाइनल मुकाबला सेमीफाइनल जीतने वाली टीमों के बीच में। तो इस तरह का पैटर्न इस बार रखा गया है। मैं पहले ही बता दूं कि 2-3 बड़े उलटफेर तो हो चुके हैं, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर हो चुकी है, उनका अब सुपर 8 से कोई लेना देना नहीं है, वो कराची एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी सुपर 8 की रेस से बाहर है, उनका भी अब अंतिम मुकाबला ज़रूर बचा है लेकिन सुपर 8 से कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ में श्रीलंका क्रिकेट टीम भी सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुके हैं, उनका भी उस सुपर 8 में कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 बड़ी टीमों का बाहर होना ये दिखाता है कि इस बार सुपर 8 बड़ा कमाल का है। तो चलिए जानते हैं सुपर 8 में भारत के मुकाबले किन से होंगे, सुपर 8 में किन टीमों ने क्वालिफाई किया है, सब पर एक बार ग्रुप पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसमें भारत आता है। देखिए भारत ने 4 मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, बारिश के हत्थे चढ़ गया, 3 मुकाबले जीते हैं, टोटल 7 पॉइंट के साथ में इस ग्रुप में पहले पायदान पर खत्म कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि वो A1 का टैग उन्हें पहले ही मिल चुका था। अच्छा, दूसरे पायदान पर USA क्रिकेट टीम है, जिन्होंने भी 4 मुकाबले खेले हैं और कहीं ना कहीं इनके पास 5 पॉइंट्स अवेलेबल है। USA 5 पॉइंट्स होने की वजह से सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान को भले ही अंतिम मुकाबला खेलना बाकी है, लेकिन उस जीत से हार से पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा, जीत भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट ही हासिल कर पाएंगे, उस लिहाज से भी पाकिस्तान बाहर है। और वैसे भी पाकिस्तान बनाम जो आयरलैंड का मुकाबला है वो बारिश के भेंट चढ़ने वाला है। जिस तरह से USA आयरलैंड का चढ़ा, उसके बाद भारत कनाडा का चढ़ा और अब ये भी मुकाबला बारिश के हत्थे चढ़ेगा, क्योंकि उसी वेन्यू पर ये मुकाबले हो रहे हैं। तो ग्रुप ए की तस्वीर बड़ी साफ है, भारत और USA ने क्वालिफाई कर लिया है। तो ग्रुप बी की बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी और कमाल की बात ये थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पहले पायदान पर ग्रुप को खत्म किया है, 4 ही मुकाबले खेले और चारों के चारों जीत गए 8 पॉइंट के साथ में। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भले ही B1 टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तरीज जो दिया गया है वो B2 का दिया गया है, क्योंकि उस हिसाब से फिर ये भारत वाले ग्रुप में जाएंगे, जो कि हम आपको जाके भारत का स्केड्यूल बताएंगे तो बताएंगे सब कुछ मैटर। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अब ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही स्कॉटलैंड को हराया, स्कॉटलैंड 5 पॉइंट्स पे रुक गया, लेकिन उनकी नेट रन रेट भी खराब हो गई और इंग्लैंड जो कि अंतिम मुकाबला अपना जीत चुके थे, वहां अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम 5 पॉइंट हासिल कर लिया तो फिर इंग्लैंड की नेट रन रेट स्कॉटलैंड से अच्छी है, तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ, मतलब इस ग्रुप से वो दूसरी टीम ऑफिशियली तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट टीम है, जिन्होंने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी इंग्लैंड वालों के लिए, वरना अगर स्कॉटलैंड का ये मुकाबला रद्द भी हो जाता या स्कॉटलैंड जीतने वाला था, जैसा कि मैंने कहा बहुत हद तक वो मैच को डोमिनेट भी कर रहे थे, लेकिन स्कॉटलैंड कहीं ना कहीं उस मुकाबले को हार जाता है और इंग्लैंड जीत जाता है। तो इस ग्रुप से 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड निकल कर आती है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 3 में से 3 जीते हैं, 6 पॉइंट इनके पास में भी है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम 3 में से 3 जीते हैं और 6 पॉइंट इनके पास में भी है। अच्छा, इन दोनों की जीत और 6 पॉइंट से इनको तो क्वालिफाई का रास्ता दिखा दिया है, मतलब अफगानिस्तान भी और वेस्ट इंडीज़ भी क्वालिफाई कर चुके हैं। और यहाँ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी टीम थी।
देखिए, जब से अफगानिस्तान ने डोमिनेट करना शुरू किया है तब से वो उस ग्रुप में जहाँ पे भी रहती है वहाँ बड़ी टीम को बाहर होना पड़ता है। इस बार न्यूजीलैंड उनके हत्थे चढ़ गए तो यहाँ पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बाहर हो चुका है। वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान उस ग्रुप से निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। पहले पायदान पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम है, 4 में से 4 जीते हैं, 8 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर खत्म कर रहे हैं। लेकिन दूसरे पायदान पर कौन होगा इसी को लेकर अभी तक थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट टीम है जिनमें 3 मुकाबले खेले 2 मुकाबले जीते 4 पॉइंट है। नीदरलैंड क्रिकेट टीम है जिनने भी 3 मुकाबले खेले 1 मुकाबला जीता 2 पॉइंट है। नीदरलैंड अगर अपना अंतिम मुकाबला जीतती है और बांग्लादेश हार जाती है तो इन दोनों के 4-4 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर नेट रन रेट के आधार पर वो टीम क्वालिफाई करेगी। यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश की जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा भी है, और अगर बांग्लादेश हार भी जाते हैं तो उनकी नेट रन रेट एज कम्पेयर टू नीदरलैंड से तो फिलहाल अच्छी है। हाँ, वो अलग बात है कि बांग्लादेश हार गए और नीदरलैंड ने बड़े मार्जिन से मुकाबले को अपने नाम किया और 4 पॉइंट के साथ में बांग्लादेश को नेट रन रेट से पछाड़ दिया तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस यहाँ बांग्लादेश से आते हैं। यहाँ कहने का मतलब है 7 टीमों का तो ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है, केवल एक पैच जहां बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड फंसा हुआ है, बाकी लगभग ये जो सुपर 8 की तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। अब बताते हैं आपको भारत का स्केड्यूल क्या रहेगा। यहाँ ग्रुप 2 बनाए गए हैं सुपर 8 में। पहला ग्रुप है जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अफगानिस्तान है, ये 3 टीमें तो हो चुकी है। चौथी बांग्लादेश या नीदरलैंड, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, ग्रुप बी की बात करते हैं तो वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और यूएसए, ये 4 टीमें वहां क्वालिफाई कर चुके हैं। यूएसए तो मान लीजिए, अब देखिए यहाँ एक थोड़ी सी गौर कीजिए, मान लीजिए यहाँ पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता सुपर 8 के लिए और इस ग्रुप में जहाँ यूएसए है वह पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान की क्या हालत होती वो सोच के देखिए। मतलब वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीम, अब साउथ अफ्रीका जैसी टीमें आपको क्या फेंटा लगाती। लेकिन आपकी किस्मत अच्छे है कि आप सुपर 8 में ही नहीं आए और आप वहीं से बाहर हो गए और अब जो आपको मिलना था वो यूएसए को मिलेगा। हाँ, ये कमाल की बात रही है। चलिए बात करते हैं भारत के स्केड्यूल की। भारत का पहला मुकाबला 20 जून को शाम 8 बजे खेला जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ भारत का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के बीच में खेला जाएगा, बहुत ही कमाल का ये मुकाबला होगा, शाम 8 बजे मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ में जो दूसरा मुकाबला होगा भारत का वो बांग्लादेश या नीदरलैंड जीतने वाली टीम से होगा, वो होगा 22 जून को। हाँ, मतलब 22 जून को शाम 8 बजे और 24 जून को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला शाम 8 बजे। अब मेरा मानना यह है कि भले ही नीदरलैंड आए भले ही बांग्लादेश आए, भारत जीत जाएगी। अफगानिस्तान के खिलाफ भी भारत का पलड़ा भारी है तो ये 2 मैच तो भारत के ही है। तीसरा मुकाबला भारत जीते या हारे बहुत कुछ सेमीफाइनल को डिसाइड करेगा ऑस्ट्रेलिया वाला। तो ये है सुपर 8 के हालात। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, भारत की सेमीफाइनल की तस्वीर आपको लगभग पक्की लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।